भारतीय कला का भाव क्या है, उसके कितने आयाम हैं, उसका क्या परिप्रेक्ष्य है, इसको लेकर बहुत विस्तार से बात की जा सकती है। भारतीय कला का भाव तो रूप के पार जाने का भाव है। भारतीय कला का भाव एकाकी और निस्संग रहने का भाव है। भारतीय कला का भाव ऐसे निरावरण का प्रतीक है जिसके कोई परिधान नहीं। भारतीय कला का भाव एक ऐसी निष्कंप दीपशिखा की तरह है जो अनवरत प्रज्वलित रहती है और अपने प्रकाश को, अपने आलोक को फैलाती रहती है। भारतीय कलाकार या की दृष्टि, भारतीय कला की दृष्टि यही दृष्टि है। भारतीय कला वास्तव में सृष्टि नहीं करती, वह दृष्टि देती है, और इस दृष्टि को जो आत्मसात कर लेता है वह कलाकार हो जाता है। भारतीय कला के इन विभिन्न आयामों के बारे में बहुत विस्तार से बात की जा सकती है। इन भारतीय कला की परंपरा में एक महत्वपूर्ण आयाम है हमारे लघु चित्रों की परंपरा का, जिसे अंग्रेजी में मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं। इसके बारे में हिंदी में हमारे पास बहुत कम जानकारी है, प्रामाणिक जानकारी का तो और अधिक अभाव है। लेकिन लघु चित्र क्या है, पश्चिम में इसकी अवधारणा अलग है। पश्चिम में व्यक्ति चित्र के रूप में लघु चित्र को मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 30x45 सेंटीमीटर के बीच जो चित्र बनाया जाता है उसे लघु चित्र कहते हैं। और इस लघु चित्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें हमारे यहाँ संगीत को चित्रित किया गया है, राग रागिनियों को चित्रित किया गया है। यह पहला प्रयोग है। हमारे यहाँ इस लघु चित्र परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बारीक से बारीक वस्तु को, छोटे से छोटे उपादान को अपने चित्रण के अंकन की परिधि में लिया जा सके। यदि कृष्ण राधा की वेणी का गुंफन कर रहे हैं, गूंथ रहे हैं, तो उस वेणी में लगाए गए पुष्प की एक एक पांखुरी को गिना जा सकता है। यदि राम दरबार में माता सीता भगवान राम के साथ बैठी हुई हैं तो उनकी साड़ी की एक एक धारी को गिना जा सकता है। यदि समुद्र की या सरिता की लहरों को चितेरे ने बनाया है तो उस एक एक लहर की गणना की जा सकती है। हमारे यहाँ काव्य के ऊपर आधारित जो है वो लघु चित्र बनाए गए, केशव की रसिक प्रिया, बिहारी की सतसई से लेकर मतिराम के रसराज तक और पुहकर की रसबेली तक ये चित्रांकन हुए हैं, और ये विभिन्न शैलियों में हुए हैं। हमारे यहाँ जिस स्थान पर जो चित्रकला जन की शैली जन्मी उसका नामकरण उसके अनुसार कर दिया। पहाड़ों में कांगड़ा, बसोहली, गुलेर, मानकोट, चंबा, गढ़वाल, मंडी जैसी शैलियाँ जन्मी, और मध्य प्रदेश में मालवा में राघोगढ़ में शैली जन्मी, इसके अलावा कच्छ में, और फिर राजस्थान में और हिमालय में, राजस्थान के छोटे से छोटे ठिकाने से लेकर बड़ी से बड़ी रियासत तक में, जैसे आप मेवाड़ में, उदयपुर में से लेकर शाहपुरा में, जोधपुर में, जयपुर में, ये तमाम शैलियाँ जो हैं वो जन्मी। देवगढ़ में और किशनगढ़ में जिसमें बड़ी ठणी बनी, इन चित्र शैलियों के बारे में भी विस्तार से बात की जा सकती है। इसमें कृष्ण लीला जो है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय था जो चित्रित किया गया। और इन लघु चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें रंगों और रेखाओं का जो मुख है वो जब संविलियन होता है तो वे वाचाल हो उठते हैं, अपने आप पात्र बोलने लगते हैं, प्रकृति मुस्कुराने लगती है, स्वर गूंजने लगते हैं, और फिर हमारे सामने यह पंक्ति साकार हो उठती है कि देखने के बाद जितना अनदिखा है रूप है वो, देखना तो दृष्टि का व्यापार है, दर्शन नहीं है।